नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइडिया फोर्ज का जो लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन है वो कैसा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, और सेबी ने बहुत बड़े नियम में बदलाव किए हैं। दोस्तों कैसे नियम में बदलाव किए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है उसका क्लोजिंग डेट अब फ्राइडे 30 जून 2023 को हो चुका है। अब इसकी जरूरत तो थी नहीं क्योंकि बहुत टाइम गुना बहुत बढ़ चुका है दोस्तों। पर जिनको जिनके पैसे नहीं लगा है वो भी दोस्तों अपना पैसा लगा सकते हैं, और जिसके पास दोस्तों डीमैट अकाउंट नहीं है वो भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ के नियम में बहुत बड़े बदलाव सेबी ने कर लिए हैं। जो 6 दिन लगते थे दोस्तों अब वो 3 दिन के हो चुके हैं दोस्तों। अब लिस्टिंग 3 दिन के अंदर करनी पड़ेगी, और बोर्ड ने अप्रूव कर लिया इस प्रपोजल को, और 6 डे से 3 डेज हो चुके हैं। और ये जो मैंडेटरी हो जाएगा दोस्तों आफ्टर दिसंबर 2023, उससे पहले दोस्तों वॉलेंटरी सितंबर 1 2023 तक दोस्तों करना पड़ेगा उसके बाद। और ये जो है सबको फॉलो करना पड़ेगा, इन्वेस्टर रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट ब्रोकर और सबसे डिस्कस करके किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिडक्शन इन अ लिस्टिंग टाइमलाइन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द स्टेक होल्डर इन द फॉलोइंग वेज। जो फंड दोस्तों अगर आपको रिसीव हो जाते हैं दोस्तों तो तुरंत फंड एलोकेट हो जाएंगे दोस्तों शेयर जो है आपके शॉर्टर टाइम के अंदर। अगर आपको नहीं मिला है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो आपको तुरंत ही ऐसा मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे आइडिया फोर्स और साइंट डीएलएम दोनों का, दोनों आईपीओ दोस्तों अच्छा है। आइडिया फोर्स का DA3 का अगर देखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस, QIB में 1.65% हुआ है और NII 30.73% का हुआ है दोस्तों, और रिटेल इन्वेस्टर 45 टाइम्स हुआ है, तो टोटल 17.58 टाइम्स हुआ है। साइन डीएलएम भी देखेंगे, QIB तो दोस्तों लास्ट डे ही ज्यादातर बढ़ते हैं, 0.03 है, NII 5.88 है, और यहाँ पे रिटेल ने काफी अच्छा प्रतिशत दिया है 15.47, और अभी तक 4.25% हो चुका है। तो दोस्तों दोनों आईपीओ अगर आ रहे हैं और उसके बाद भी आईपीओ आने वाले हैं, तो अगर यहाँ पे दोस्तों फंड जल्दी रिलीज होता है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया नियम में बदलाव होगा जो आने वाले टाइम में आपको फायदा मिलेगा। अगर बात करें करंट जीएमपी के ऊपर, तो आइडिया फोर्स का जीएमपी 550 चल रहा है दोस्तों, आईपीओ का प्राइस 72 है, तो 81% का लिस्टिंग गेन पॉसिबल है। साइन डीएलएम 110 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, 42% का दोस्तों लिस्टिंग गेन है, जबकि वो इश्यू प्राइस है 265। तो ये दोनों आईपीओ बहुत ही बेहतरीन है, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनियां हैं, और बहुत सारे ब्रोकरेज और सबका मानना है कि यहाँ पे लिस्टिंग है, और लंबी अवधि में भी ये सारे दोनों स्टॉक है दोस्तों अच्छा रिटर्न दे सकती है। और सेबी ने ये जो बदलाव किया है नियमों में, जो इन्वेस्टर के लिए काफी फ्रेंडली होंगे, तो आईपीओ मार्केट में और बूम आ सकता है। तो अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहां पे आप क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।